नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। खाने पानी तथा धन निकास कार्यालय के प्रमुख के अर्ध नग्न कक घुमाओल गेल संबंधी प्रशंसा। ढल निर्माण में अनियमितता भेल है। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब नेपाल खाने पानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुर धामक निमित्त प्रमुख के अर्ध नग्न कक जनकपुर धाम बाजार घुमौलक है। जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब नेपाल खाने पानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुर धाम के निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहा के पीठपात करे नगर परिक्रमा करौने अछि। ओ कार्यालय में लाठी सहित पहुंचल जनमत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता सब निमित्त प्रमुख कुशवाहा के जबरदस्ती कार्यालय से बाहर निकाल कर पीठपात करैत नगर परिक्रमा करौने छल। ओ सब निमित्त प्रमुख कुशवाहा के कपड़ा फाड़ कर अर्धनग्न बनाकर थाल लगा कर अर्धनग्न बनबैत घुमौने छल। जनकपुर धाम उपनगर पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित ढल निकास के लिए बेर बेर लिखित आ मौखिक उपरा केने रहे तो ध्यान नहीं दिला सब जन कार्यवाही कैल गई। जनमत पार्टी जनौलक ठीक और हमसब जब जनकपुर के अवस्था भ्रष्टाचार के देखलिए जे जनकपुर के विकास में जे प्रकार से अगर रोड के खनल गया है पानी के अवरुद्ध कल गया है बात के हमसब बहुत 10-15 दिन से बात के ओवर यानी हमसब फ्लो कर रहा है। तो नगर पालिका अली तो कहल डी के काम छे खाने पानी तथा ढल निर्माण के ढल निर्माण सब पूछल जाए तो कहे नगर पालिका के काम छे। अब बात से हम सब तंग भागल छे और ओकरा के समन्वय करला के छे तो कोनो वास्ता नहीं ते द्वारा हमसब ओकरा पकड़ के डी नगर पालिका में जोड़ के एकरा राख और समन्वय का विकास कल जाए। ई महत्वपूर्ण हमरा और के एक अभी का काम है और खास में ई रैली जे प्रकार से अहाँ सब देखने पता दी ई मधेश खास में भ्रष्टाचार से जे प्रकार से लिप कल के सत्ताधारी पार्टी सब चाहे वो कांग्रेस हिमालय हो चाहे जसपा के कोई भी है जते भी अभी निर्वाचित प्रतिनिधि है मधेश के भावना के विपरीत विरुद्ध में भ्रष्टाचार के फैलौलक है और खास में मधेश के परिचय बना रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मधेश है। अब बात के परिचय जनमत पार्टी हो चाहे एक डी अफिस खाने पानी लाई ढल को जो बेथी थी भाषा तैं अब तैं ज्यादा ये तो मेरे काम है ना खाली देखी उता देखी उता करने होना ले। आज हम ये खबरदारी रूप में जनता ओढ़ने भाने डी माते हैं ना मेयर माते हैं ना मुख्यमंत्री हैं ना हम प्रधानमंत्री भी संभालना सकता जनता को अगड़ी कई कोई भी छेन जनता ने गर्दा चाहिए तब कोर्ट में बस्त जनता को कर तक तलब मिली रहने आपू कोजेरो में चढ़ने आपू मर्सिडीज में चढ़ने आपू रोयल रेंजर में चढ़ने जनता चाहिए खालू खाली खुट्टा हिड़ने ये हम जनता बात अब अक्षम्य होने छेन जैसे को लगी आज विरोध स्वरूप को लगी हम जनमत पार्टी ने आज ये रैली तिनीहरूले आज भ्रष्टाचारीमा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ यो मात्रै नभन्नुस् एक तपाईं जनता पार्टीकै नेता कार्यकर्ता सब साइकिल चोर दिई शोर लगायत कि नारा सब सेहो लगाउने छ। एम्हर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुर धामक प्रमुखकी पीठपाट करैत अर्थनग्न कक जनकपुर बजारमे घुमाओल गेल आरोपमे प्रहरी डाक्टर सीके राउत नेतृत्वके जनमत पार्टीकै 62 गोट कार्यकर्ताके पकड़ाउ केलक अछि। घटना लगत्ते शुरूमे प्रहरी 10-15 गोटेके पकड़ाउ केने छल। ओके बाद अपन कार्यकर्ता सहकर्मी के रिहाई के मांग करे जिला प्रहरी कार्यालय घेराव कर पहुंचल सबके सेहो राउत के 62 गोट कार्यकर्ता के पकड़ाव केने अछि। पकड़ाऊ पड़ल सबके कानून बमोजिम कार्यवाही कल जेबाक प्रतिबद्धता स्थानीय प्रशासन जनौलक अछि। घटना पश्चात धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला एकरा सेवक कर्मचारी के पीटपाट कक अर्धनग्न कक बाजार में घुमावा सहित के दुर्व्यवहार आपत्तिजनक अमानवीय आपराधिक घटना के संज्ञा दिलक अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालक वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो राज्य मधेश के विरोध में 88% ताकत लगौने बताने छथि। मधेशी बुद्धिजीवी समाज जनकपुर धाम दीपावली तथा छठ पावनि के उपलक्ष्य में आज जनकपुर धाम में आयोजन कने कार्यक्रम में संबोधन करैत नेता महतो राज्य सत्ता संचालन के लिए 12% ताकत मात्र मधेश के देने जबकि 88% ताकत मधेश के विरोध में लगौने खुलासा कने छथि। देश में एक बेर फिर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता रहल बतबैत ओके लेल फूट का आंदोलन निक जुट का आंदोलन कर प्रभाव बतौलन। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल महतो मधेश के नेता सबके नियत नीति आ नेतृत्व के कारण लक्ष्य प्राप्ति में ढिलाई नहीं भेल बतबैत के दायरा बढ़ावा पड़वा आवश्यक रहल बतौलन। ओ कहलन देश के शासन आ संविधान से अधिकार के प्राप्ति हेबाक मुदा सातम बेर लाओल गेल संविधान में सेहो मधेश अपन ठाम अधिकार आ पहचान खोज रहल अछि। ओ शासन में एकल जातीय चिंतन सोच नस्लवादी आ आंतरिक औपनिवेशिक चिंतन हावी रहल धरि देश के विकास कोनो भी हालत में होबी नहीं सकत
बताने छलखिन। बात से बिल्कुल क्लियर होबे के चाही कि कारण की छे कि नहीं भेट रहा। यह कारण छे कि नियत नीति और नेतृत्व मधेश के संदर्भ में तो हमरा से पूछबे तो एक बार चरण होबा के चाह। नीति नियत और नेतृत्व मधेश के संदर्भ में कहीं कोई कमी नहीं है। प्रश्न उठावे कहीं कोई जगह नहीं है। इसमें एक सुधार करे के जरूरत है। नियत नीति और नेतृत्व के दायरा बढ़ावे के जरूरत है। वो में असफलता नहीं है, उकर दायरा बढ़ावे के जरूरत है। वो खोट नहीं है, वो असफल नहीं है, उकर दायरा बढ़ावे के जरूरत है। रोग कति अतो रोग कतो और छे इलाज कतो और कर भी डायग्नोसिस कतो और कर भी तो नहीं है ना। मधेश के नेतृत्व के नियत या ओकर बनाए नीति या ओकर नेतृत्व में खोट नहीं छे। ओकर दायरा ओकर चिंतन सोच के दायरा एकरा विचार करे के जरूरत छे। ई बात एहि लेल कह रहा छी कि देश में कला नहीं बैठे। अब जड़ पकड़ के पड़ लें ना, पूंजी पकड़ने से नहीं है ना, जड़ पकड़ियो ना कि जड़। देश में कोनो दुनिया में कोनो देश में शोषण उत्पीड़न के अंत अन्याय अन्याय। कार्यक्रम में लोकसभा कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा संघ सांसद उमा शंकर अरगड़िया प्रदेश नंबर दू सरकार अपन चार वर्ष के कार्यकाल में एकोटा भी ठोस कार्यक्रम लाभ नहीं सकल बतबई एक कारण मधेश पौने अधिकार के सो स्थापित कर नहीं पौने बतौलन। वो जनता समाजवादी पार्टी अपना के मधेशवादी पार्टी कहने रहतो केंद्र के बैसार में जय मधेश कहला पर हुटिंग होत आयल बतौलन। नेपाली कांग्रेस एमाले आ माओवादी जेने जसपा में सो मधेशी के हटा कर पहाड़ी के एक नंबर के अध्यक्ष बनाओ गेला के बाद जसपा प्रति घृणा जागल वो बतौलन। तो कैबिनेट करे छी कि नहीं करे छी ते एकटा पुलिस के सरुआ करे के नहीं अधिकार गृह मंत्री के नहीं केंद्र के रहे तो देश चले छी के सिस्टम छी कैबिनेट से निर्णय होय छी ऊपर रही गेले के जेकर प्रधानमंत्री रहे छै त आईजीपी गृह मंत्री से रहे छै ते अनुसार कहे के प्लानिंग ओय में काम होय छै ते ने पावर आके नहीं देलक विकास के लिए योजना त देलक ई देखा पड़त हमरा सबके के कते परसेंट काम कर दिया अखन तक आगे चार महीना बीत गए परसेंट आगे रकम खर्चा में कर सकल पैसा सब फ्रीज हो लेकिन विकास निर्माण में ठोस में नहीं लगा लगबे तब तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नीक बात है लेकिन ओकरा जस्ट उल्टा देख लियो तो 6800 के साइकिल 8800 पर मिले और 6800 पेमेंट है 8800 पेमेंट है और कौन साइकिल के हम मानबे 17000 एहन साइकिल है जिनमें कोनो कंपनी के नाम नहीं है साइकिल के भीतर में एवं के एटलस के हीरो के ये सब साइकिल होबक चाहिए कि नहीं होबक चाहिए लेकिन नहीं चाहिए अगर जिम्मेवारी के लेते जब कंपनी के नाम नहीं है। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह मधेश अधिकार निपोने संबंध में बात उठौना जायज रहल बतबैत संपूर्ण मधेशी शक्ति एक नहीं होब धरि मधेश अधिकार पावन नहीं सकत बतौलन। चुनाव समय में अपने सेहो मधेशी छी कहकर वोट मांगत आ अधिकार के समय में केंद्रीय पार्टी के पैर में लंपसार हेबाक पद्धति से मधेश आ मधेशी अपन अधिकार पावन से वंचित बनल बतौने छलखिन। हुनका जैसे अगाड़ी बढ़ावे के सिर्फ पर्सनल काम में भले ते द्वारे बहुत ही खराब हो केहन बात में होबा चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, हम बहुत नेता के मुँह से सुन छी पूर्व मैच देखी महाकाली सभा मधेश हो रे खाली वार्ड से मात्र मधेश हो हम क्वेश्चन कर चाहे छी कि आठ जिला के बने के दम ई संविधान के लिखल छै कि तखन आप संविधान सभा के सदस्य नहीं रहिए तखन आठ जिला लगते तक के लिए सब लोग पहले जाकर सीखने से बदल इन अखन ई बात कहै छी जनता के एतक मतलब मूर्ख बुझै छी। दोसर हमरा सबके लिए कि अखन एगो मोदी जी कहै छै नाम तो हो नहीं सकते लेकिन एक भौतिक प्रधानमंत्री के रूप में सर कि आगे हेतु अहाँ अपना के तरह वोट मांगे हेतु कहते हमू मधेशी आ हमरा में अपन मिशन में की फर्क छै यो हमरा में राजेंद्र महतो में की फर्क छै हम मधेशी के बचा नहीं छै ते न कहै छै इस मधेश प्रदेश में नहीं सकते तो हर के मतलब हम सब की कह रहल छी तब लागे वोट मांगे एगो बा
आ जब पकड़े से दोसर बात तो अ किस्म से डबल स्टैंडर्ड आय के बात नहीं होते जे अहा के मधेसी बुद्धिजीवी समाज जनकपुर धामक अध्यक्ष अशेश्वर शाह के अगुवाई आ वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य जान किशन शाह, बजरंग शाह, निर्मल चौधरी, इंजीनियर प्रकाश चंद्र शाह लगायत विभिन्न बौद्धिक वर्ग सब अपन अपन धारणा रखने छा। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साके के विश्वास के मत ऊपर की थप प्रक्रिया आगामी कार्तिक 10 कते हेबाक फलेश। आजुक बैसार में मुख्यमंत्री साह के रखने विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव में विमर्श खत्म भेला के बाद सभामुख सानू कुमार श्रेष्ठ कार्तिक 10 कते धर के लिए प्रदेश सभा बैसार स्थगित कलक। ओसे पहले बैसार में मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साके प्रदेश सभा में विश्वास के मत मंगने छले। वो अपने नेतृत्व के सरकार समाजवाद उन्मुख सरकार की प्रारंभिक खाका तैयार भेल कहे ओय के सावनी करबाक तैयारी रहल बतौलें। साके सब दल के सरकार के सहयोग कर आ सरकार के व्यवस्थापन में सहयोग कर आग्रह केना छलखे। पानी समाजवाद तरफ को यात्रा में अगि बढ़ सकता राष्ट्र को यह अभियान में बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमता ले भ्यासम्म क्रियाशील छ रही रहने छ। मेरो नेतृत्व को सरकार ने समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम को प्रारंभिक खाका तैयार भएको छ र यसको सार्वजनिकरण को तैयारी गरेका छौं। सो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम बागमती प्रदेश को सीमांतकृत समुदाय श्रमिक र विभिन्न वर्ग विपन्न वर्ग केन्द्रित रहेको कुरा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रदेशसभा में नेकपा माओवादी केन्द्र के संसदीय दलक नेता शालिकराम जमकटेल विपक्षी सरकार के विश्वास के मत लेबाक समय देने कहे साके के राजनामा दक मार्ग प्रशस्त कर आग्रह कलैन। कांग्रेस के संसदीय दलक नेता इंद्र बानिया अपने सब संविधान आ शासन व्यवस्था के लेल अपने सब गठबंधन बनौने कहे अब नया सरकार बनत बतौलन। तत्काल विश्वास के मत लेबाक प्रक्रिया निष्कर्ष लगावा आग्रह करे तो राजा आ राणा फेंकने कांग्रेस एमाले संग कोनो सहकार्य नहि करत बतौने छलके। होने भने हामीले पनि अर्को विकल्प छ किनभने यो सरकारको एक महिना संविधान त कटिसकेको छ विश्वास त मत लिने समय यो प्रदेश सरकारले खरको छाना मुक्त आज भन्नु पर्यो कि कतिवटा मुक्त भए कतिवटा गरिबले खरको छानामा जस्ता हाले कतिवटा यो प्रदेशको गरिबले चाहिँ अब बाँकी खरको छाना छ तपाईँहरूको काँधमा गठबन्धनको काँधमा बाँकी हामीले सुम्प्यौँ विधि प्रक्रिया मिच्ने काम जे जे भयो भयो अब हामी यो चाहिँ बाँकी जिम्मा लाएर जान तयार छौँ भनेर भन्न पर्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। बैसारमै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे अपने मुख्यमन्त्रीके उम्मेदवार भेल कहे आब विपक्षी गठबन्धनके सरकार निर्माण हैत बतौलन। पाण्डे प्रतिगमनकारीके कित्तामे खार भेल व्यक्तिके साथ देव नै सकबाक स्पष्ट केने छलै। संसदीय प्रणालीमा पार्टी कमजोर बन्नु हुँदैन भनेर जान्ने मित्रले यो 174 सिटको कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई मतको नजदिक जम्मा 8 सिट थपेपछि दुई तिहाई पुग्थ्यो संविधान बदल्न सक्ने तागत हुन्थ्यो र यो देशमा ठुला ठुला योजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने कायापलट गर्न सक्ने तागत राख्थ्यो त्यो ताकतलाई समाप्त पार्ने काम कसले गर्यो कसले गर्यो त्यो दुई दुई पटक संसद विघटन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भयो र वास्तवमा विध्वंस पार्ने काम भयो। त्यसै कारणले गर्दा आज यो देशको स्थिति आयो आज यो देशको स्थिति यहाँ यो प्रदेशमा पनि अष्टलक्ष्मी साक्यको विरुद्ध राजेन्द्र पाण्डे उभिने दिन आयो। साके के हटबैत समाजवादी आ कांग्रेस आलो पालो सरकार गठन करबाक निर्णय कर चुकल अछि। भाद्र 2 गते पैघ दल के हिसाब से मुख्यमंत्री बनल साक्य आसीन 22 गते प्रदेश सभा के सचिवालय में विश्वास के मत लेब प्रस्ताव दर्ता कराने छलथि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बाढ़ भूस्खलन प्रभावित जनता के समय में राहत उपलब्ध कराए बताने छथि। बाढ़ भूस्खलन से पहुंचाने क्षति के अवस्था बारे में जानकारी लेब कर्णाली आ सुदूरपश्चिम प्रदेश के स्थलगत निरीक्षण में पहुंचल प्रधानमंत्री देउवा मंगल दिन सुर्खेत विमानस्थल में संचारकर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करते प्रधानमंत्री देउवा नागरिक के आवश्यक राहत उपलब्ध कराब सरकार निर्णय कर चुकल कहे समय में राहत उपलब्ध कराए
बताने वो अचानक आयल बेमौसमी बाढ़ से पैघ जनधन के क्षति पहुँचाने में अपने दुखी बनल बताने छे प्रधानमंत्री देउवा सुर्खेत विमानस्थल में बाढ़ भूस्खलन कर्णाली प्रदेश में पहुँचाने क्षति बारे में प्रदेश सरकार आ सुरक्षा निकाय के प्रमुख से जानकारी लेने एक दिन से पड़ल वर्षा के कारण कर्णाली में बाढ़ आ भूस्खलन में पड़कर 8 गोटे के मृत्यु होबाक संगे 3 गोटे घायल भेल। शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौड़ेल सीख सीखबाक काम करबाक अपने कमेबाक आ आत्मनिर्भर बनबाक विषय के प्राथमिकता में राख सिटी भिटी के पदाधिकारी के निर्देशन दिलन। आई भक्तपुर के सानोठी में स्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सिटी बीटी के अनुगमन के क्रम में मंत्री पौड़ेल सीप सीखबाक काज करबाक अपने कमेबाक आ आत्मनिर्भर बन के बात के नारा बनाकर संस्था के प्राथमिकता में राख निर्देशन दिलन। पाठ्यक्रम के सुधार करबाक विषय आ प्रक्रियागत समस्या के हल कर मंत्रालय तैयार रहा वो बतौलन। उद्देश्य भर सिटी बीटी के काम के प्रभावकारी बनाकर आगा बढ़ पड़बाक धारणा रखलन। वो सिटी बीटी के प्रभावकारी बनाबा संस्था के सुधार कर अपन सकारात्मक साथ आ सहयोग रहत उल्लेख कलन। यो नारा सिटी बीटी ले दिन सकूँ यो नारा चाहिए हमने समाजवाद तो बनाया छ हमें संविधान में यह कुछ दल विशेष एवटा को होना यह राज्य को नई साझा नारा हो रहा हमी संविधान को प्रस्तावना को 5 पारा में प्रश्नसम अब को देश को राज्य प्रणाली यह प्राकृतिक होने हमी अलग अलग चाहे कतिपय विश्लेषक कतिपय पोलिटिकल चाहे प्रभाव पारने शक्ति केन्द्र का विक्रम में सीटीबीटी के पदाधिकारी संस्था के अवस्था आ संस्था के नई काम के संगे भावी योजना मंत्री पौड़ेल समक्ष प्रस्तुत नेपाल में आई थप 545 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कैल गेल 6586 PCR परीक्षण के क्रम में 470 गोट आ 1963 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 75 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 901293 पहुँचल तहिना कोरोना के कारण थप 8 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11326 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल तहिना 726 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 784881 गोट कोरोना मुक्त बनल। एखन 11315 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 225 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक। देश द टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद विदा दिया देखते रही TV2 जनकपुर। नमस्कार।